ये जमात अकेली जंग लड़ती रही, इनके दस्तों बाजू कोई ना बन सके, इन्हें अकेला छोड़ दिया गया। मैं शिकवे के अंदाज में नहीं कहूंगा, मगर मैं ये बात तहदीस में नेमत के तौर पर कहूंगा, अगरचे हमने अकेले ही उस तहरीक को चलाया था। आपको 90 की दहाई का अगर इलम है, आप में से जो सफेद रीश बुजुर्ग यहां तशरीफ फरमा हैं, मैं उन्हें याद करवाना चाहता हूं और वो मेरी बात की ताईद करेंगे। हमने एक मुख्तसर जमात ने भी असहाबे पैगंबर के दुश्मन को इस मकाम पे पहुंचा दिया था कि उनके घरों से अलम उतर गए थे, उनके घरों के ऊपर लगी हुई नामों की तख्तियां जिनके साथ नकवी और तकवी होता था वो तख्तियां उतार दी गई थी, और जुलूस में जाने के लिए जो स्या लिबास पहन करके जाया करते थे वो लिबास शापरों में बंद हुआ करता था, सफेद लिबास पहन करके जुलूस में जाते थे, वहां जाकर के स्या लिबास पहनते थे, वापसी पे फिर लिबास बदल करके आया करते थे। अगर हमने एक मुख्तसर जमात ने उस इतनी बड़ी कुव्वत को इस मकाम तक पहुंचा दिया था, अगर हमारे उलमाए किराम हमारे दस्तो बाजू बन जाते, ईमानदारी से आज हमें ये दिन देखना नसीब ना होते हैं।